हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं डॉक्टर सोनिया सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी विषय की शिक्षण योजना यह मेरी शिक्षण योजना मैंने कक्षा दो के लिए बनाई है और इसका टॉपिक है पास पड़ोस और इसके लिए समय चालीस से पैंतालीस मिनट का रहेगा सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम लेंगे बच्चों को उनके पास पड़ोस की वस्तुओं के बारे में जानकारी देना और बच्चों को पास पड़ोस की वस्तुओं का महत्व बताना नेक्स्ट है प्रकरण प्रकरण है पास पड़ोस सहायक सामग्री जो मैंने इसमें सहायक सामग्री यूज की है फ्लैश कार्ड जीवो व वस्तुओं की पपेट नेक्स्ट है सीखने सिखाने की गतिविधियाँ इसमें मैंने चार कॉलम बनाए हैं क्रम संख्या चरण समय और आकलन सबसे पहले शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका बच्चों के साथ घर के आसपास पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में चर्चा करती है और साथ ही उन्हें फ्लैशकार्ड दिखाकर कुछ जानवरों व वस्तुओं के नाम भी पूछती है और इसका समय रहेगा पाँच मिनट और आकलन का तरीका है सहभागिता शिक्षण के दौरान पपेट से खेल मिलकर खेलो खेल के द्वारा शिक्षिका पाठ को कविताबद्ध करके पपेट के माध्यम से बताती है नेक्स्ट है बच्चे रुचि लेकर हाव भाव के साथ कविता को दोहराते हैं तथा विभिन्न वस्तुओं की आवाज़ें निकालते हैं जैसे हवा की सरसर बंदर की तरह कूदना बिल्ली की तरह आवाज़ निकालना और इसका समय रहेगा दस मिनट और आकलन का तरीका है प्रतिभाग नेक्स्ट है शिक्षण के अंत में वर्ग पहेली में बच्चे आसपास को इसमें खोजेंगे जैसे आसपास कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं या कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो सब इसमें खोजेंगे नेक्स्ट है ग्रह कार्य पास पड़ोस में पाई जाने वाली दस चीजों के नाम लिखिए और पेड़ का चित्र बनाइए बच्चों को ये होमवर्क में कार्य दिया जाएगा और आगामी योजना है बच्चों को पास पड़ोस व जीवों के बारे में संवेदनशील बनाना फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूँ मैं अपने चैनल पर एक्टिविटीज नवाचार और शिक्षण अधिगम से संबंधित काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ लेकर आती रहती हूँ और निष्ठा ट्रेनिंग की प्रश्नोत्तरी और निष्ठा डायरी कैसे बनाएं बहुत सारी मैंने इस तरह की वीडियो बनाई हुई है अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे तो नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल न भूलिए बाय बाय